सुपरस्टार केजीएफ दिल्ली लाल किला जैसे ही पहुंचा रिपब्लिक डे मनाने के लिए, वहां पे लोगों की भीड़ उमड़ा और इसी भीड़ में केजीएफ ने अपने झंडे को सलामी देके झंडे को फहराया। फहराने के बाद जैसे ही केजीएफ झंडे को सलामी दिया, किसी एक आदमी ने सलाम नहीं किया। केजीएफ को गुस्सा आ गया। अपने सुपरस्टार केजीएफ के सामने उसने झंडे को सलामी नहीं किया। केजीएफ को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही उसने बोला, कौन है वे तू हैं जो मेरे हमारे इंडिया का झंडे को सलामी नहीं किया। इतने में वो आदमी केजीएफ की ओर देखा और बोला, भैया मुझे माफ कर रहे हैं, मैं आपको देखता रह गया, इसलिए अपने झंडे को सलामी नहीं कर पाए। तू कहाँ समझ रखा है रे, मुझे देखा तू, मुझे देखते रह गया। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की झंडे को तुम्हें दिखाई नहीं दिया, उसको तुम सलाम नहीं कर पाए। इतने ही बोल के केजीएफ बहुत गुस्सा हो गए, अत्यंत गुस्सा हो गए। फिर उसे बहुत आदमी समझाते हुए, कोई बात नहीं सर, गलती हो गया रोकी भाई, गलती हो गया, ऐसे ही बोल रहा था, पर उसका गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। इतने में वहाँ पे मोदी जी आए और बोले, कोई बात नहीं केजीएफ, छोड़ो इन सब चीज़ों को और चलो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इसने अपनी गलती महसूस कर लिया है और इसको और तकलीफ मत दो और मत बोलो इसको, ठीक है, इसने गलती किया महसूस कर लिया है। और केजीएफ और मोदी दोनों मिल के फिर राष्ट्रगान गाए, जन गण मन पूरा गा के फिर केजीएफ मोदी से मिले, मोदी केजीएफ से मिले और दोनों वापस आ गए।